ईद का त्यौहार लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हुए और ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे के गले लगकर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में भी ईद का त्यौहार आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामपुर की ईदगाह पर हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं सुरक्षा को मस्जिदों के बाहर अर्धसैनिक बलों के अलावा स्थानीय पुलिस भी तैनात रही। नमाज के दौरान सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। जिले के सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ ईद की नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज पढ़ने के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। लखनऊ से पवलीन सिद्दीकी एवं रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद की हमने नमाज पढ़ी, सभी लोगों से गले मिले और देशवासियों से यही चाहते हैं कि देश में अमन और सुकून कायम रहे, हमेशा इसी तरीके से ईद मनाते रहें। और मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, आज शाम को हमने 5 बजे ईद मिलन का कार्यक्रम हमारा रोड सनाई हमारा रोड साजन मंडप के पास रखा है। आप सभी लोग इसमें शिरकत करें और हमें जिसमें कम होगा ईद का संदेश तो यूनिवर्सल है, प्यार मोहब्बत इंसाफ बराबरी इज्जत वकार और किसी की हक तलफी ना करना। आज रमजान के बाद महीने के बाद हम लोग यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलना सिखाए। कलमे को ना सिर्फ हम पढ़ें बल्कि उससे उसके ऊपर दिल से यकीन भी करें और हुजूर की सुन्नत को अमल में लाएं। हर एक मजलूम के साथ इंसाफ करें, हर एक मजलूम के लिए खड़े रहें। उसमें मजहब व मिल्लत, जात बिरादरी, जगह जबान किसी की एकदम फिक्र ना करके सबकी मदद करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें फरमाए, यही हम गुजारिश करते हैं और इसी काम पे हम हमेशा लगे रहें। कोई भी मजलूम है तो हमें उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना चाहिए, यही आज के दिन का सबसे बड़ा दिन। आज ईद की नमाज अदा की गई है और आप चुनाव में हैं, क्या कहेंगे बताएं? देखिए ईद एक त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, सबको बराबरी का त्यौहार है, सदका फितर से अदा किया जाता है, कोई घर खुशियों से खाली न रह जाए। और इसके बाद ही एक दूसरा त्यौहार जमहूरियत का जश्न है, जिसमें हमें अपना वोट डालकर अपने इजहार राय का अपनी मर्जी का अपना नुमाइंदा मुंतखब करना है, जो हमारे हुकूक के लिए लड़े, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाए, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी हर कैद से ऊपर उठ करके वो सबके लिए सबकी भलाई के लिए काम करे। इसलिए ये दो खुशियों का मौका है, दोनों खुशियों के लिए मुबारकबाद देकर मैं जनता से रामपुर की आवाम से अपील करता हूँ कि वो अपने हमने खुद इरादे का सही तौर पर फैसला करें और इंडिया के उम्मीदवार मोहिबुल्लाह को मुझे यानी कामयाब बनाकर सेकुलरिज्म और दस्तूर बचाने की कोशिशों को कामयाबी तक। इस बार समाजवादी के नेता आजम खान नहीं है, क्या महसूस लगे और क्या कमी महसूस लग रही है आपको? आजम भाई की कमी महसूस हो रही है, इसको कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जेल के अंदर है, कुछ कहना मुनासिब नहीं है, उनके लिए दुआई करते हैं।